व्हाट अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं इस बार एक नए इंस्टाग्राम पेज से शू मंगवाऊंगा, तो वैसे ही आज मैंने एक नए इंस्टाग्राम पेज से शूज मंगवाए हैं। तो ये जो शू है ये मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से लिया है जिसका नाम है द स्नीकर स्टोरी। ये शू डबल बॉक्स आया है। मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी स्पेशली कि आप इसको डबल बॉक्स करके दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसका जो ओरिजिनल बॉक्स है, ओरिजिनल तो नहीं बोल सकते पर इसका जो अपना बॉक्स है शू का, वो डैमेज ना हो। तो ये इस ब्लैक कलर के प्लास्टिक रैपर में, प्लास्टिक बैग में आया। इसमें इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा बॉक्स के साथ आया है। अच्छी बात ये है कि इन्होंने दूसरा एक स्टर्डी बॉक्स के अंदर ही दिया है, तो ऐसे बिल्कुल पैक्ड होके आया था। अब शायद आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सा शू है, और वैसे भी आपने शायद ये वीडियो के बाहर ही टाइटल नहीं देख लिया होगा। तो ये था वो शू बॉक्स जो बाहर से आया है, जॉर्डन 5 का। तो ये वो शू है जो मैंने मंगवाया था। ये एक एक्स्ट्रा नाइकी के बैग के साथ है, आप देख सकते हैं ऐसे पैक होके आता है ये विद एक्स्ट्रा लेसेस। ऑलराइट, तो आपको मैं बता देता हूँ कैसा है ये शू। और मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बॉक्स है इसका जो टैग है, फॉन्ट्स को छोड़ के बाकी रिटेल प्राइस भी है यहाँ पे, और यहाँ जो बार कोड है वो भी ठीक है। फॉन्टिंग थोड़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है और फॉन्ट थोड़े ज़्यादा बोल्ड हैं तो ओरिजिनल के कंपैरिजन। ऑलराइट, और यहाँ पे बॉक्स में 2020 लिखा हुआ है, ठीक है 2020 का प्रोडक्ट है तो 2020 आना चाहिए, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर अगर 2020 में हुआ तो 2020 ही होना चाहिए। पर मैं आपको शूज़ में दिखाऊंगा क्या लिखा हुआ है। बॉक्स के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ नाइकी की ब्रांडिंग से रिलेटेड, क्योंकि ओरिजिनल बॉक्स में यहाँ पे भी नाइकी की ब्रांडिंग आती है। इसमें यहाँ साइड में है और फ्रंट में जंप मैन है, और अंदर से बॉक्स बिल्कुल ही गलत है। अंदर यहाँ ब्लैक होना चाहिए था, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर एक ओरिजिनल बॉक्स को लेके उसको इन्वर्स करके बनाया हुआ है, तो यहाँ पे जंपमैन लोगो, मतलब जॉर्डन का जंपमैन लोगो होना चाहिए था विद ब्लैक बॉक्स एंड गोल्डन जंपमैन लोगो। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि क्या क्या है सही और क्या क्या गलत है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को मैटर नहीं करती होंगी, पर जो ये सोच के ले रहे हैं कि एग्जैक्टली ओरिजिनल की कॉपी है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये शू मैंने स्नीकर स्टोरी से 3200 का लिया। अभी इंडिपेंडेंस डे के चलते शायद 15th और 16th को दो दिन 15% एक्स्ट्रा ऑफ मिल सकता है, आप इनसे पूछ लीजिएगा, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं, अब देखते हैं कि ये शू में जो है वो क्या क्या चीज़ें सही और क्या क्या चीज़ें गलत हैं। और प्लीज़ इग्नोर कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी फ़ैन भी नहीं ऑन किया है, तो वीडियो में बहुत ज़्यादा हवा की आवाज़ आती है, और एंड इट्स ऑलरेडी अ रियली हॉट डे, सो प्लीज़ इग्नोर माई स्वेटिंग, आई नो इट्स रियली ग्रोस, और बीच बीच में तो थपक भी रहा है। तो चलिए, तो सबसे पहली जो चीज़ है शू में वो है टो बॉक्स। टो बॉक्स और जो साइड पैनल है बिल्कुल गलत मटेरियल यूज़ किया हुआ है, होना मैश ही चाहिए, पर इसमें परफोरेशन नहीं है बिल्कुल भी, इसमें परफोरेशन अंदर दी हुई है, आप देख सकते हो, ये परफोरेशन बाहर नहीं है, ये अंदर है, और वो भी बिल्कुल गलत स्टाइल में है। और जो साइड में है यहाँ पे बिल्कुल भी कोई एक बीच में स्टिचिंग का पैनल होता है अंदर की तरफ को, वो गलत है। जिप टाई में बिल्कुल वही लिखा है जो ओरिजिनल में होता है, ऑफ वाइट कंपनी नाइकी, मैन्युफैक्चर्ड इन 2018 जिप टाई, और कॉपीराइट 2018 का है। जो मैंने आपको बताया था कि बॉक्स में 2020 लिखा हुआ है, इसमें 2018। यहाँ पे जो ब्लू कलर की स्टिचिंग है बहुत ज़्यादा वाइड है, ये थोड़ी कम होनी चाहिए थी। और नीचे जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है इन्होंने, ये एक सेकेंड, नहीं ये लेदर नहीं है, ये ऑरेंज कलर का लेदर होना चाहिए था विद ऑरेंज स्टिचिंग। तो चलिए, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है यहाँ पे कोटेशन में एयर, ये बिल्कुल गलत है, ये इतना थिन फॉन्ट्स में नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा बोल्ड होना चाहिए था, और ये जो ग्रूव्स बने हुए हैं इसके अंदर पेंट्स जाने की वजह से ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड फील होता है।
और जो जंपमैन का साइड में यहाँ पे एयर जॉर्डन का जो एम्बॉस्ड जो विंग्स हैं, ये विंग लोगो, ये भी थोड़ा फेडेड और थोड़ा ज़्यादा ही ग्लॉसी है। मतलब जो ओरिजिनल है उसमें इतना ग्लॉसी नहीं होता, ये इसमें कुछ ज़्यादा ही ग्लॉसी है। तो और वैसे भी मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस शू से, 3200 का शू लिया है तो चीज़ें तो ऑब्वियसली डाउनग्रेडेड होनी थी। ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं थी, तो फिर भी आई एम रियली हैप्पी विद द शू। पीछे जो हील का मटेरियल है बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहीं से ही मैंने इसी पेज से मैंने एक और शू लिया था, वो था नॉर्मल एयर जॉर्डन शिकागो सेम कलर, तो उसमें पीछे बैक का जो मटेरियल है इतना स्टर्डी नहीं है, तो इसमें स्टर्डी है बहुत ज़्यादा। आप इसको दबा के ऐसे पता लग सकता है कि बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ किया पीछे। स्टिचिंग का सब कुछ सब जगह ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे देख सकते हो आप, खराब स्टिचिंग की एंडिंग है, फिनिशिंग अच्छी नहीं है। ऑल राइट, तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ऑफ वाइट ट्रेडमार्क फॉर नाइकी, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एक रिमूव्ड स्वोश का भी पीछे जो होल्स हैं ये भी हैं इसमें, पर आपको शायद वीडियो में दिखे ना दिखे ये पता नहीं, पर हैं इसमें, बहुत फेडिड हैं, दिखेगा नहीं शायद। तो ये थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट होने चाहिए थे पर ये हैं नहीं। ऑलराइट, तो अंदर यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 85 लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़े थिन फॉन्ट्स होने चाहिए थे, कुछ ज़्यादा बोल्ड हैं यहाँ पे भी। और शू लेसिस में शू लेस लिखा हुआ है विद कोटेशन, सही है ये। टंग भी बिल्कुल सही है, ज़्यादा लंबी नहीं है, ज़्यादा छोटी नहीं है। आउटसोल बिल्कुल सही है, स्टार्स भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे नाइकी के पास कॉपीराइट का है भी है आर। ये देखिए इसकी इंसोल, इंसोल बिल्कुल ही गलत है, ये वाइट कलर की इंसोल होनी चाहिए थी विद ब्लैक ऑफ वाइट ब्रांडिंग द 10, और यहाँ पे पिरामिड्स बने होने चाहिए थे बाहर को निकले हुए फॉर कंफर्ट। ये सोल ही बिल्कुल, मतलब इंसोल ही बिल्कुल चीप क्वालिटी की है, और अंदर जो साइजिंग टैग है ये भी बिल्कुल गलत है, और ये जो स्वेड पैनल है इसकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, और इसमें जो यहाँ स्टिचिंग के जो मार्क्स होने चाहिए थे वो भी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, वो दिखते नहीं है ज़्यादा खास, इन्होंने स्वेड ही अच्छा क्वालिटी का यूज़ नहीं किया। तो ये जो शू है ये बॉक्स के साथ और एक्स्ट्रा लेसेस के साथ आता है, ये वो एक्स्ट्रा लेसेस हैं, बिल्कुल गलत क्वालिटी के और बिल्कुल गलत शू लेसेस हैं, इनमें कोई शू लेस नहीं प्रिंट है साइडों में इसके एंड में, और ये पैकेज में आता है जबकि ओरिजिनल में आपको ये बिल्कुल रोल होके आते हैं, तीन एक्स्ट्रा शू लेसेस वाइट ग्रीन एंड ऑरेंज, और ब्लैक ऑलरेडी इसमें है। एक और चीज़ है जो इसमें पेपर है, ये जॉर्डन जो 5 में यूज होता है या जो भी कोई दूसरा नॉर्मल जॉर्डन है उसका पेपर है, इसका जो पेपर है वो एक सिंपल वाइट पेपर आता है, उसके ऊपर एक अलग से पेपर मिलता है ग्रीन एंड ब्लैक, मतलब उसमें ब्रांडिंग है ऑफ वाइट की और जॉर्डन की। तो जो फाइनल वर्डिक्ट है इस शू को लेकर मेरा वो रहेगा कि मैं इसको पॉइंट्स दूंगा 6 out of 10। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें सही हो सकती थी पर मैन्युफैक्चरर ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शू की क्वालिटी ज़्यादा खास नहीं है, 3200 फॉर अ फेक शू बहुत ज़्यादा है मैं जानता हूँ, पर ठीक है, अब क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्योंकि ये शू ऑलरेडी बहुत हाइप्ड है, और अगर मैं अच्छी क्वालिटी का लेना चाहता हूँ फेक वो भी तो वो अराउंड 10 to 15,000 का पड़ेगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं है इतना स्पेंड करना वो भी फेक शू में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो कि लोग आपको बोलेंगे आपने फेक पहने हैं या नहीं पहने हैं, तो आप 15,000 वाला, 10 to 15,000 वाला भी ले सकते हो, पर मुझे नहीं लगता लोग इतना ध्यान देंगे, तो मैंने ये 3200 वाला लिया है। तो अगर आपको ये शू खरीदना है या अगर आपको कोई भी शू खरीदना है तो आप इनके इंस्टाग्राम पेज में जा सकते हैं, द स्नीकर स्टोरी, इनकी ऐप भी है, आप इनकी ऐप या वेबसाइट दोनों में जा सकते हो, आप डायरेक्टली उनसे आप बात कर सकते हो, आप उनका व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम में जाके आप इनका पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये था शू का रिव्यू, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए।
किसी फ्रेंड को बताना है कि शू की क्वालिटी कैसी है, शू कहाँ से खरीद सकते हो, तो आप प्लीज शेयर कीजिए। इनिशियली मैं फेक स्नीकर्स को प्रेफर नहीं करता था, पर जैसे जैसे मैंने देखा कि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो फिर मेरे पास भी ऑप्शन नहीं बचा। और इंडिया में इस टाइम पे फेक्स बहुत ज़्यादा हैं, और अगर मैंने कोई ओरिजिनल शू खरीदा भी तो मेरे को कोई गारंटी नहीं है कि वो ओरिजिनल ही होगा, चाहे वो स्टॉक एक्स हो, गोट ऐप हो, या फिर स्नीकर कॉन की अपनी ऐप हो, क्योंकि वो लेजिट जो चेक करते हैं वो भी इंसान ही चेक कर रहे हैं, तो कोई श्योरिटी नहीं है। तो जो श्योरिटी मिलती है वो डायरेक्टली आपको नाइकी के स्टोर से ही मिलेगी या नाइकी की वेबसाइट से ही मिलेगी। और इसके शू के मैं सिनेमैटिक शॉट्स लास्ट में डाल दूंगा वीडियो के, तो प्लीज आप लास्ट तक देखिए वीडियो को और इंजॉय कीजिए। ऑलराइट, आई एम साइनिंग ऑफ। I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. Heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell.